क्या मानो? तू रात भर सोया नहीं? बेटा मैं जानता हूं तू किस दौर से गुजर रहा है। 18 साल हुए सोहम को तुमसे दूर हुए, लेकिन उसके बिछड़ने का गम आज भी तुम्हारे दिल में ताजा है। लेकिन बेटा तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा ना। तुम अगर रात भर सोए नहीं तो तुम्हारी सेहत। बाबा मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक मुझे मेरा सोहम वापस नहीं मिल जाए। अरे तुम्हारा सोहम तुम्हें वापस जरूर मिलेगा। देखो सोहम की वजह से अर्चना और तुम अलग हुए थे, अब तुम दोनों के मिलने से सोहम तुम्हारे पास वापस आए। मानव इस वक्त बहुत दुखी है, अगर वो मुझसे बात कर रहा होता तो शायद मैं उससे, लेकिन चाहते हुए भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं मैं, ऐसा क्या कहूं उसे जाकर कि वो मुझे माफ कर दे। बस किसी भी तरह वर्षा में मिल जाए। मानव मानो मैंने अभी अभी वर्षा को देखा। कहाँ? हमारे घर के बाहर। आई तूने मुझसे बात तो करी। आई मैं बाहर देख रहा था। नहीं वो बाहर नहीं है, मैंने तुझसे झूठ बोला बेटा। इस बहाने तू मुझसे दो बातें तो करे पर। आई नहीं, तूने फिर से मुझे हर्ट किया। तू जानती है ना मैं सोहम के लिए कितना तड़प रहा हूं, फिर भी तूने ऐसे। बेटा मैं तेरे लिए तड़प रही हूं, मैं तुझे सिर्फ एहसास दिलाना चाहती थी कि तू मुझसे बात नहीं करता तो मुझे कितना दुख होता है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी आई। ऐसे मत बोल। तुझ पर भरोसा करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं मैं। मैं भी सजा भुगत रही हूँ ना बेटा, इस परिवार में मैं सबसे अनदेखी हो रही हूँ। कोई मुझसे पूछता तक नहीं, बोलता भी नहीं। अगर तुम लोग मेरी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते तो मैं घर से निकल जाऊंगी। अगर तुझे यही सही लगता है तो तू कर सकती है जो तू चाहती है। अरे बेटा सुन ना मेरी बात। तू कभी नहीं सुधरेगी। आज घर छोड़कर जाने की इतनी बड़ी बात मैंने कह दी, लेकिन मेरे बेटे ने एक बार भी मुझसे नहीं रोका। इसका मतलब मेरे यहाँ होने का या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सबको लगता है कि मैं ही उनके दुख की वजह हूँ तो ठीक, मैं इस घर से दूर चली जाती हूँ। साड़ी तो बहुत जच रही तुझ पर। मेरे बेटे ने जो लाई है क्यों नहीं जचेगी?
इन बच्चियों को अपनी माँ से अलग रखा तूने, और तुझे बिल्कुल डर नहीं लगा? एक दिन जब ये सारी बातें खुल जाएगी तो एक साथ तू कितने रिश्ते खो देगी। मैं अपने आप को तुझसे इतना दूर रखूंगा कि तेरी आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा आई, लेकिन आज तुझे आई कहने में भी शर्म आ रही। अगर तुम लोग मेरी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, तो मैं घर से निकल जाऊंगी। अगर तुझे यही सही लगता है तो तू कर सकती है जो तू चाहती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। जब मेरे बेटे को ही मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? भाई साहब, पटना जाने के लिए एक टिकट देना। ये पटना जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकलेगी ना? जी हाँ। शुक्रिया। और ये यहाँ, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? अरे बाप रे, पैसे नहीं। बहन जी। हाँ। एक काम कर सकते? हाँ बोलो। मुझे 1 रुपया दे सकती है? क्योंकि मुझे ना मेरे बेटे को जरूरी बात बतानी है और मेरे पास पैसे नहीं। कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका 1 रुपया लौटा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं भी लौटाएंगे, जब भी चलेगा। हेलो हेलो हेलो, मानो मैं यहाँ कुर्ला टर्मिनस से बोल रही हूँ बेटा। देख बेटा, तुम चाहते थे ना मैं घर में ना रहूं, तुमसे दूर जाऊं, तो मैं चली जा रही हूँ। और अभी ना, अभी अभी मैंने देखा, जो वर्षा है ना, या बाहर काम जाने वाले जो टिकट काउंटर है वहां पे टिकट निकल रही थी पटना के लिए, और वो 5 नंबर पे गई ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसने पूछा था। तो फिर से झूठ बोल रही? लेकिन इस बार मैं तुझ पर भरोसा करने वाला नहीं हूँ। मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, फोन मत रख बेटा। अगर तूने फोन रखा ना तो मेरे पास दोबारा करने के लिए पैसे भी नहीं है। मैंने दूसरे से पैसे लेके तुझे फोन कर रही हूँ। देख देख, तेरी शपथ, तेरे और मेरे बीच में जो अनबन है ना वो बाजू में रख दे बेटा। अभी हमारे नसीब से यहाँ वर्षा दिखाई दी है तो हमारे सोहम तक पहुँचने का एक अच्छा मौका है, वो हाथ से न जाने देना बेटा। जल्द से जल्द आने तो वर्षा बंबई छोड़ के चली जाएगी। हेलो हेलो हेलो, आई आई। बाप रे, टाइम खत्म हो गया लगता है, क्या करूं? भगवान मेरे मानव को जल्द से जल्द यहाँ भेज दे, वर्षा को पकड़ के हमारे सोहम का पता लग जाएगा। जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे। हाय, आई, हमें अभी अभी पता चला है कि शायद से वर्षा मौसी बुंदेलखंड में ही है। नहीं पूर्वी, वर्षा यही मुंबई में। मुंबई? हाँ, अभी अभी हमें पता चला है कि वो यही मुंबई में, उसे उसे आई ने देखा है मुंबई में, वो भी कुर्ला टर्मिनल पर। और बेहर माने बस वही जा रहे, तो एक काम कर, तू दादा के साथ जल्दी से मुंबई वापस आ जा। ठीक है आई, हम निकलते हैं यहाँ से। बाय, जल्दी आना। क्या हुआ? मामा, आई का फोन आया था, वो कह रही थी कि वर्षा मौसी मुंबई में ही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ओके। अर्चना, पता नहीं क्यों मैं आई की बात पर भरोसा करके वर्षा को ढूंढने निकला हूँ। देखिए माना, आई ने आपकी कसम खाई थी, कसम खा के उन्होंने ये कहा था कि वर्षा को उन्होंने देखा, इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। वो आपकी कसम कभी झूठी खा ही नहीं सकते। तभी तो मैं वर्षा को ढूंढने निकला हूँ, और सोम तक पहुंचने का कोई भी मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे लगता है पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ, सर, हमने कंप्लेन। हेलो हेलो,
मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ। जी बोलिए मानव जी। अभी भी मेरी आई का फोन आया था, उसने वर्षा को कुर्ला टर्मिनस पर देखा है। मैं और मेरी वाइफ वहीं जा रहे हैं, मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। मिस्टर मानव, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी पुलिस टीम कुर्ला टर्मिनस पर तैनात है। आपकी आई ने तो बताया होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे वर्षा को देखा है। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 5। सोहम मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बिना बताए पटना वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है बेटा। और फिर वहाँ अर्चुताई और मानव जीजू ने भी तो पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, और मैं नहीं चाहती मेरे जरिए वो लोग तुम तक पहुँचे और तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। हवलदार, यहाँ एक औरत को देखा तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। सविता, ये यहाँ क्या कर रही है? ये आपकी गलत फहमी भी हो सकती है। कैसी गलत फहमी हो सकती है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने लाल कलर की साड़ी पहनी है, और उस औरत ने जो मेरे पोते के साथ किया है ना, तब से उस नालायक औरत का चेहरा मेरे ध्यान में बराबर है। आप प्लीज उसको पकड़ के लाइए, मुझे उससे बहुत सवाल करने हैं। ठीक है, हम देखते हैं, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। लगता है सविता ने मुझे देख लिया है। हे बापा, अब मैं क्या करूं? अब मुझे जल्द से जल्द पटना की ट्रेन में बैठना होगा, एक वही मेरे लिए सही और सुरक्षित जगह है। लेकिन जब तक पुलिस यहाँ से नहीं हटती, मैं ट्रेन में बैठ भी तो नहीं सकती। पापा, अब मैं क्या करूं? होटल जाकर? नहीं, मेरा वहां जाना सोहम को खतरे में डाल सकता है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? भगवान, अब तो ताई और जीजू भी यहाँ आ गए। ट्रेन छूटने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर ये ट्रेन छूट गई तो नहीं, नहीं, मैं ये ट्रेन नहीं छोड़ सकती। अरे मानो, अच्छा हो गया मेरे कहने पे तू आ गए। आई, तूने वर्षा को कब और कहाँ देखा, जल्दी बता। अरे वर्षा को इसी प्लेटफॉर्म पर बाहर गांव जाने वाले ट्रेन की टिकट निकालते हुए देखा मैंने। राणे, जाधव, जाकर चेक करो सभी ट्रेनों को, इन्फॉर्मेशन दो कौन सी ट्रेन कितने बजे जा रही है, जल्दी जाओ। आप मुझे कुछ बता सकती हैं, मतलब उन्होंने क्या पहना था? हाँ, उसने लाल कलर की साड़ी पहनी थी। और कुछ कैरी किया था? हाथ में बैग थी एक। ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, चलिए। तब हम उधर कितना इंतजार करते हैं। सॉरी, अर्चुताई और जीजू, आप चाहे कितनी भी कोशिश कीजिए, आप मुझ तक और सोहम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि मुझे ढूंढना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। पर्सनली हर डिब्बे में जाकर उसे ढूंढना चाहिए, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते आप। ठीक है मानव, आप उधर देखिए, मैं इधर से देखती हूं। तुम इनके साथ जाओ। जी साहब।
एक एक का चेहरा चेक कर लेना। देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है, आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? ये है सर। अरे ऐसे कैसे हम अपना नकाब उठाएं? नकाब ऐसे हटा नहीं सकते। देखिए मैडम, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है कि इस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं सबकी एक एक करके जांच की जाए। नहीं, जो भी हो हम नहीं उठा सकते अपना नकाब। प्लीज, नकाब नहीं हटा सकते। प्लीज मैडम, आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। हे भगवान, ये तो सबकी तलाशी ले रहे हैं, इस तरफ चेहरा छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैं तो पकड़ी जाऊंगी, अब मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना होगा। नहीं नहीं, आप फीमेल कांस्टेबल को बुलाइए, हम ऐसे नहीं उठा सकते अपना नकाब। हाँ। नहीं उठा सकते। ठीक है मैम, मैं बुलाता हूँ। जी। अरे ताई, ज्यादा क्या हो रहा है वहाँ पर? ताई जरा इधर आना, आप उस तरफ जाइए। ठीक है सर। सर हम लोग यहाँ पर देख ले। हाँ, चलिए उस तरफ देख। ओके। वर्षा इस ट्रेन में कहीं भी हो, उसे ढूंढने के लिए मेरे मानव और अर्चना की मदद करना पापा। इंस्पेक्टर, हमने पूरी ट्रेन की तलाशी ले ली, वर्षा कहीं भी नहीं मिली। मुझे लगता है उसे पहले ही पता चल गया था। मानव, मानव मिली वर्षा? मिली वर्षा? जी वो हमें नहीं मिली, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। आई आई मैं नहीं चाहती कि आपने वर्षा को वाकई में देखा है या नहीं, लेकिन इतना चाहती हूँ कि वर्षा के यहाँ न मिलने पर मानव को बहुत तकलीफ हो। तो क्या कहना चाहती है? मैंने झूठ बोला? नहीं आई, आप झूठ नहीं बोल रही। आपकी बातों पर ही विश्वास करके हम यहाँ आए थे वर्षा को ढूंढने, लेकिन वो नहीं मिली इसलिए। तो क्या कहना चाहती है? मैंने मानव की झूठमूठ की कसम खाई? अरे जो गलती एक बार मैंने की थी उसको दोबारा क्यों दोहराऊं मैं? अरे मैं भी चाहती हूँ अगर वर्षा मिल जाएगी ना, तुझे तेरा बेटा हमारा पोता हमें मिल जाएगा। पापा करे ऐसे, पापा करे मेरा सोहम मुझे जल्दी मिल जाए। मैं जानती हूँ भाई, आज आपने कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन एक गलती जरूर है जो हमसे हुई, घर छोड़ने की। भाई मुसीबतों का हमेशा सामना किया जाता है, आखिर मुसीबतों से इस तरह भागा जाता है। एक बात याद रखिएगा, जितना मानव से दूर जाएंगे ना उतना मानव आपसे दूर होंगे। जितना जल्दी हो सके उतना घर लो, घर लौट आइए। आई बड़ी सिखाने वाली, मेरा घर है, जब चाहे छोड़ूंगी जब चाहे आऊंगी, ये कौन होती है मुझे सिखाने वाली।